फिर मैं आपके सामने कुछ एक सेशन लेके आया हूँ मोटिवेशनल, जो आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी। देखिए, लाइफ में बहुत ही आपको स्ट्रगल्स मिलेंगे, बहुत ही ऐसे ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपने आप को हार मानने के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लाइक रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, ये आप सोचेंगे। लेकिन ये सब थिंक क्या है, ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेज है आपके लाइफ में। आप जो एक्सक्यूज़ देते हैं किसी को, ये आपको कुछ करने से रोक रही है, आपको एक बहाने दे रही है कि अगर आप फेलियर हो जाते हैं तो इन केस आप ये सब चीज़ बोलिएगा। तो क्यों ना अपनी लाइफ से हम इन एक्सक्यूज़ को हटा दें और हम ऐसा कुछ करें कि सक्सेस ही हमें हासिल हो, हमें फेलियर हो ही ना हो। ठीक है, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि फेलियर ना हो? फेलियर होगा, लेकिन आप फेलियर को फेलियर की तरह नहीं लेंगे, फेलियर को एक सक्सेस की तरह लेंगे। उससे आप सीखेंगे कि इसने मुझे कुछ सिखाया है। अगर कुछ भी चीज़ आपको सिखाती है तो वो एक सक्सेस ही है, वो फेलियर नहीं है। अगर फेलियर आती भी है तो आप उसको एक सक्सेस की तरह लीजिए कि कोई नहीं, आज मैं फेल हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने मुझे कुछ सिखाया है। अगर मैं फेल हुआ हूँ तो उसने उस चीज़ ने मुझे कुछ सिखाया है। लाइक आप अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो उसने आपको सिखाया है कि आपने कहाँ मिस्टेक की है और आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगले स्टेप्स पे, तो वो फेलियर कैसे हुआ? वो लेसन हो गया ना आपके लिए, वो आपके लिए एक चैप्टर सा, एक बुक के चैप्टर जैसा हो गया जो आपको सिखा रहा है। वो फेलियर नहीं है आपके लिए, फेलियर वो उन्हीं के लिए होगा जो उससे कुछ सीखेंगे नहीं। वो कहेंगे यार फेलियर हो गया, हाथ में हाथ दे के बैठ जाएंगे, नहीं आगे भी मैं ऐसे ही फेल होता रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो वो सबसे बड़ा फेलियर है। अगर आप अपने फेलियर से सीखते हैं तो वो फेलियर आपके लिए फेलियर नहीं रह जाता है। ये मेरे बात का ध्यान रखिएगा। आप अगर मान लीजिए कुछ करने की, कोई आईएएस बनने की सोच रहा होगा, कोई कोई क्रिकेट में जाना चाहता होगा, या कोई एयर होस्टेस बनना चाहती होगी कोई लड़की, या बैडमिंटन में जाना चाहती होगी, सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, कम से कम स्टार्ट तो कीजिए अपने ड्रीम को फॉलो करना। अगर आप एक स्टेप्स लेंगे, दो स्टेप लेंगे, तीन स्टेप लेंगे, यही करते करते 100 स्टेप्स होंगे और आप अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, जो आप बनना चाहते हैं, स्टार्ट फ्रॉम नाउ। वीडियो देखने के बाद ही आप स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ मेरा ये ड्रीम है तो मैं इसको फॉलो करूँगा। सो फ्रेंड्स, फेलियर से डरना नहीं है, और जो भी आपका ड्रीम है वो आज से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप सक्सेस हो पाए। धन्यवाद।